हल्द्वानी में सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु के लिए शुक्रवार को वट सावित्री का व्रत रखा। सुबह बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर पूरे शहर में जगह जगह महिलाओं ने सामूहिक पूजा अर्चना की। श्रृंगार करने के बाद पारंपरिक परिधानों में सजी धजी महिलाएं मंदिर पहुंचीं और विधि विधान के साथ बरगद के पेड़ पर कलावा बांधकर पति की लंबी आयु की कामना की। प्रसाद के रूप में पुए, पूड़ी और हलवा भी चढ़ाया। साथ ही सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर सभी को वट सावित्री की व्रत की शुभकामनाएं दी। मंदिरों में भी सुबह से ही महिलाओं ने भजन कीर्तन का आयोजन किया। वहीं इस मौके पर तमाम लोगों से बातचीत की, आप भी सुनिए। तारा शर्मा है हमारा नाम। गोरापड़ाव से आए हैं हम। सुबह से पूजा की पूरी तैयारी की, अब यहीं आते हैं पूजा करने और बड़े उत्साह से करते हैं व्रत को। अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है व्रत और अच्छा लगता है हमें पूजा करके। हिमानी शर्मा, गोरापड़ाव से आई हूँ मैं। मेरी जेठानी के साथ हमेशा हर साल वट सावित्री की पूजा करने के लिए यहीं आते हैं। जिस प्रकार सावित्री सत्यवान से अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करके उनके प्राण वापस ले आई थी, वैसे ही हर वैवाहिक जो औरतें हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं और हम भी बहुत उत्साह से और उमंग से व्रत करते हैं। मेरा नाम काजल शर्मा है, गौरापड़ाव से आई हूँ। और वट सावित्री का व्रत पति की दीर्घ आयु के लिए लिया जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि रहे, इसलिए हम ये व्रत लेते हैं। मैं टनकपुर रोड से आई हूँ। हर साल ये वट सावित्री का व्रत लिया जाता है। इसमें पति की लंबी आयु के लिए सारी सुहागन औरतें इस व्रत को करती हैं और सारे लोग बड़ी उल्लास के साथ इसे मनाते हैं। इसमें सारे सुबह से हम लोग को भूखा रहना पड़ता है, निर्जला व्रत लेना पड़ता है और सारी औरतें मतलब हम लोग हर साल यहीं पर आते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और सुबह से शाम तक टाइम ही नहीं हो पाता है यहाँ पर पूजा का, इतनी भीड़ रहती है। मैं जज फार्म से आई हूँ। हम लोग इस व्रत को शादी के तुरंत बाद ही, जब भी पड़ता है अमावस्या पड़ती, बड़ा अमावस, तब से हम ये व्रत को करते हैं। आज मुझे कम से कम 40 साल हो गए हैं। 40वां व्रत है मेरा ये सुख समृद्धि के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए। और इतने बड़े पुराने वृक्ष में हम आए हैं कि हमारे पति की आयु इतनी बढ़े और हमारे घर में सुख शांति हो, बच्चे स्वस्थ प्रसन्न रहें, सारा जग सब लोग, सारे हम भारतवासी सब लोग खुश प्रसन्न रहें, सब उन्नति करें, यही हम इसी कामना से हम यहाँ पर आते हैं।